राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे, इससे आपको फायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स का मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी यहाँ पे, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ मैं फाइव ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स का। यूनिवर्स फाइव ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स एम्परर से क्लैरिफाई हुआ है एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्लैरिफाई हुआ है, सिक्स ऑफ वैंड से सिक्स की सिंक्रोनिसिटी हो सकता है आपको हो रही हो। एक कार्ड और खुद ब खुद आ रहा था, तो मैं इस कार्ड को ले रही हूँ फोर ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफिकेशन में। तो सेवन ऑफ सोर्स आया है, सेवन ऑफ सोर्स को भी क्लैरिफाई करूँगी मैं, सेवन ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। अब मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ, प्लीज़ हैव पेशेंस। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था क्वीन ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ सोर्स का मीनिंग है कि कहीं ना कहीं वो इमोशंस को साइड करते हुए देख रहे हैं, इमोशनल होके उन्होंने बहुत नुकसान उठाया। जो भी लोग इन पे डिपेंड थे, इनके रिलेटिव, आस पड़ोस के लोग, सबको दया देना, सबको प्यार देना, तो वहाँ से इन्होंने दर्द सहा है, इसीलिए अब ये ऐसे हो गए। या हो सकता है कि ये अब हुए हों, ये पहले से भी कुछ ऐसे थे कि ज़्यादा अगर किसी ने कुछ परेशान कर दिया तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की एनर्जी इनकी पहले से भी थी। ये पहले से भी थोड़े से हर चीज़ को बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थे, जो कि सही भी था, हर बात बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं होती। तो कुछ ऐसे ही इन्होंने डिसीज़न लिए जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें चीट किया, क्योंकि ये ना इनके अकॉर्डिंग जो सही होता था ये वही करते थे, और इनके अकॉर्डिंग जो होता था वो सही होता भी था, तो ये अपने अकॉर्डिंग चलते थे। इस वजह से इनकी फैमिली मेम्बर, इनके ऑफिशियल लाइफ में लोग ऐसे थे जिन्होंने इन पे कुछ ना कुछ करके, कोई एनर्जीज का इन्फ्लुएंस करके, या इनको मिसगाइड करके, इनको बार बार किसी एक चीज़ को पुश करके इनके साथ कोई चीटिंग करी। तो ये एक जगह इनकी जो एनर्जी थी कि क्विक एक्शन लेना और जो गलत है उसको दो टू गलत कह देना, तो कहीं ना कहीं उसको इन्होंने इन एनर्जीज ने डिस्ट्रॉय किया, चीटिंग करी है इनके साथ, क्योंकि ये बेबाक बोलने वाले थे, ये नहीं सुनते थे किसी की, क्योंकि इन्हें ये पता था कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है। ये बस इतना विश्वास रखते थे कि मेरे द्वारा किसी का अहित नहीं होना चाहिए, बाकी कोई अगर मेरा अहित करे तो मुझे बर्दाश्त भी नहीं करना है। तो यही एनर्जी इनकी थी, और लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुई इनको बार बार का, देखो तुम गलत हो, बार बार किसी से अगर हम एक बात कहेंगे तो उसकी ऑरा में कहीं ना कहीं वो चीज़ें जाएंगी और फिर वो उसकी ऑरा ख़राब होगी। तो इनकी ऑरा ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई है, इनके साथ चीटिंग की गई है, लेकिन इनके साथ ईश्वर थे क्या हैं भी, ईश्वर संभाल रहे थे। ईश्वर ये इनको जिस भी साइकिल में फंसाया जा रहा था, इनको निगेटिविटी की साइकिल में फंसाया गया, लेकिन ईश्वर इनको निकाल लाए, इनको गाइडेंस प्रॉपर मिलता रहा। ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं ना, ये हैं इस एनर्जी के ना, कि इनको जो सही लगता है ये वही करेंगे, और वही सही होता भी था। तो ये इनको सही लगता था वो वही करेंगे, और जो करते थे वो सही होता भी था, तो वो इस वजह से होता था क्योंकि ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करते थे, और इंट्यूशन यानी आत्मा की आवाज़, परमात्मा की आवाज़ है, तो उसको फॉलो करते थे, इसलिए ये सही कर पाते थे।
इसलिए सही डिसीजन सही एक्शन ले पाते थे। जो अगर उल्टा पुल्टा बोल रहा होता था उसे दो टूक जवाब भी लगा पाते थे। यही बात लोगों को गवारा नहीं होती थी और इसी बात के वजह से अपने इसी आदत की वजह से ये सुकून में थे। इसीलिए देखिए कभी भी मतलब रूड होना, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना वो हमेशा गलत होता है, लेकिन इतना ज़्यादा काइंड भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे प्यार को फिर लोग कमज़ोरी समझ लें। प्यार जब कमज़ोरी बन जाता है तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, फिर वो एक नासमझी एक नादानी हो जाती है। तो ये इस एनर्जी में थे कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे, इनको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, इसीलिए खुश रहते थे। लेकिन जो इनके साथ की गई, इनके साथ चीटिंग की गई, इनको मतलब जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा फिर उसके खिलाफ षड्यंत्र भी ज़्यादा होंगे। तो इनके खिलाफ षड्यंत्र किए गए, इनको परेशान किया गया, इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर इनके कोलीग भी हो सकते हैं। ओवरऑल इनकी इनकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, जो इनकी पर्सनैलिटी है कि किसी का नुकसान नहीं करना है और जब कोई मेरा नुकसान करे तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं है। ये जो बैलेंस ये बना के रखते थे यही लोगों को गवारा नहीं हुआ और इनको काफ़ी हद तक परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन ये कहते हैं ना, डिवाइन जिसके साथ होता है उसे कौन हरा सकता है। तो इसी वजह से इन्होंने हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो किया। तो ये आज भी या फिर जो अभी इस एनर्जी में है, देखिए अभी ये इस एनर्जी में है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में, कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं। और ये सब जो हुआ है, जो इनके साथ होशियारियाँ की गई हैं, इनको डिमोरलाइज किया गया है, इनकी ऑरा ख़राब करने की कोशिश की गई, ये इसीलिए की गई है क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी से चले गए। जब आप इनकी ज़िंदगी से दूर हुए, जब आपने खुद पर काम करना शुरू किया, तब ये अकेले पड़े हो। जब ये अकेले पड़े तो फिर इन पर हर तरीके की एनर्जी अपना मतलब निकालने में कामयाब हो पाई। जो इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे वो डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाए और इसीलिए उदास होते चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जब जब आप इनको याद करते हैं, तो इनकी एनर्जी जब मिलती है, आपकी एनर्जी इनको जब मिलती है तो ये हील होते हैं। और इसी वजह से आपकी एनर्जी की वजह से, या फिर आप इनके लिए प्रे करते हो, इसी वजह से ये इस एनर्जी से निकल पाएंगे, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल पाएंगे, ये एम्परर की एनर्जी पे आ पाएंगे। इन्हें वो अतीत याद रहेगा जिस अतीत में ये अपने लिए एक्शन लेते थे, कोई इनको नुकसान पहुंचाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, उसको सबक सिखाते थे, तो उस एनर्जी में ये वापस आ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तब होगा जब आपकी एनर्जी इनको मिलेगी, चाहे तो आप टेलीपैथी से दो, चाहे आप बात करके दो, किसी भी तरीके से आपसे इनका कनेक्शन डेवलप होगा, या अगर अभी आप कनेक्टेड हैं आपकी एनर्जी से इनमें ये स्ट्रेंथ रहेगी, आपकी एनर्जी से ही इनमें स्ट्रेंथ थी कि ये अपने लिए एक्शन ले पाते थे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आप बिल्कुल भी एनर्जी ना देने में विश्वास रखते हो तो ये गलत है। आप टेलीपैथी से एनर्जी दीजिए, बातों से, आप मन में बात करके इनको एनर्जी दीजिए, आपकी एनर्जी से ये हील होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक पैटर्न है, कोई थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में है, मैरिड है अगर ये, या फिर कोई इनके बच्चे भी अगर हैं, कुछ भी अगर हैं इनके बच्चे, तो ये हर किसी ये जो इनकी फैमिली है ना, चाहे ये मैरिड हों, इनके बच्चे भी अगर हों, और कोई और मम्मी पापा अगर जो भी हों इनके इनकी फैमिली में, तो जो भी बर्डन है इनकी फैमिली का, इस बर्डन से ये निकल जाएंगे, ये विक्ट्री हासिल करेंगे। यानी ये जो भी बर्डन की थर्ड पार्टी ने, फैमिली मेम्बर्स ने इनको दबा के रखा है कि देखो तुम्हें इस तरीके से, तुम्हारा दो टूक बोलना सही नहीं है, तुम हमेशा अपने हिसाब से चलते हो, तुम्हें जो लगता है तुम जो कहते हो बस वही सही है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि तुम ही हमेशा सही रहो, दूसरे भी तो सही हो सकते हैं। जो इस तरीके की बातें कर करके इनका जो मोरल डाउन किया गया था ना, ये इनको अब ये समझ आ जाएगा कि जो इनके जो फैमिली मेम्बर्स भी अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो इन्हें वो अपने फैमिली मेम्बर्स भी ख़राब लगने लगेंगे। इनको ये लगने लगेगा तुम लोग, मैं पहले जब मैं अगेंस्ट एक्शन लेता था ना, लोगों के लोग जो मुझे सताते थे उनके अगेंस्ट एक्शन लेता था ना, तभी मैं सुखी था, तभी लोग सही रहते थे। अब जब मैंने तुम लोगों की बातें मान के खुद को साइड करना शुरू कर दिया, खुद को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया, तब से ही मैं ज़्यादा दुखी रहने लगी हूँ। ये बात इनको समझ आ जाएगी, और इस जैसे ये बात इनको समझ आ जाएगी वैसे ये अपने फैमिली मेम्बर की भी नहीं सुनेंगे। वो फैमिली मेम्बर जो उनसे कहते हैं कि थोड़ा शांत रहा करो ना, थोड़ा कम बोला करो ना, थोड़ा अपने दूसरों के बारे में भी सोचा करो ना, दूसरों की अच्छाइयों के बारे में, दूसरों की सुख दुख के बारे में भी सोचा करो ना, हमेशा अपने बारे में सोचते हो, ये हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ इतना सोचते हैं कि मैं दूसरों को नुकसान ना पहुँचाऊँ तो दूसरे भी मुझे ना नुकसान पहुँचाएँ, बस ये इतना सोचते हैं। लेकिन लोग इनको गलत तरीके से, इनके सामने इनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया ताकि ये बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएं। ये इस ये जो आदत, जिस वजह से इन्होंने बैलेंस बना रखा था, जिस वजह से इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, ये आदत इनकी छूट जाए, ये लो में चले जाएं, इस वजह से लोगों ने इनको इस तरह से मिसगाइड किया। इनके फैमिली मेम्बर ही मुझे यहाँ दिख रहे हैं,
फैमिली मेम्बर के अलावा अगर ऑफिशियल लाइफ में, तो वहाँ भी इनके साथ यही सब हुआ है। लोगों ने इनको बिल्कुल इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं। ये जितना भी इन्हें टॉर्चर किया जाएगा, जितना इनकी एक खासियत है, इनको जितना टॉर्चर किया जाए उतना ही ये और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और खींच के चिड़के ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं ही गलत हूँ, और जबकि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती तब मैं गलत हूँ, और तुम लोग हमेशा दूसरों को नुकसान पहुँचाते रहते हो, उसके बाद भी तुम शरीफ ज़्यादा हो, और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं सिर्फ तब एक्शन लेता हूँ जब कोई मुझे दुख देता है तो मैं गलत हो जाता हूँ, तुम लोग मुझे तकलीफ़ देते हो मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले लूँ तो मैं गलत हो जाती हूँ, और तुम लोग फालतू के ड्रामे करते रहते हो, परेशान करते रहते हो तब तुम लोग गलत नहीं होते हो। इस तरीके की बातें ये इनको समझ आ रही हैं, और ये अगेंस्ट एक्शन ले जाएंगे और यही विजेता रहेंगे। लाख कोई इनका इनका मोरल डाउन कर ले, इनका 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 कॉन्फिडेंस तोड़ ले, टूटने के बाद ये फिर खड़े हो जाएंगे। फिर इन्हें यही समझ आएगा कि क्योंकि जितना ही इनको तोड़ा जाएगा तो टूटने पे इनको ये याद आता है कि जब मैंने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया था ना, तब ये दुरुस्त था और मैं खुश था। इन्हें वो हैप्पीनेस याद आ जाती है कि जब अपने अपने लिए डिसीजन लो तब मैं खुश था, खुश थी। तो ये टूट के भी जितना ही इनको तोड़ा जाता है उतना ही उन्हें उस खुशी को पाने की तड़प हो जाती है, जो खुशी इन्हें तब मिली जब इन्होंने अपने लिए एक्शन लिया था, और जो इनको परेशान कर रहे थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया था। तो ये और ज़्यादा और दुगनी ताकत से ये खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इन्हें दर्द झेलना पड़ा है। और ये सब क्यों करते हैं? ये सब करते हैं आपसे यूनाइट होने के लिए। ये इन्हें आपसे यूनाइट होना है। यहाँ आप अगर मैरिज की एज में हो तो आपकी मैरिज भी होगी, ये आपसे मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत जल्द करेंगे। मुझे यहाँ पे 12 डेज में आपका कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 12 वीक्स में आपकी विजिट दिख रही है, 12 मंथ की तो बात ही छोड़ दो, फिर तब तक मुझे शादी दिख रही है। तो ये आपसे यूनाइट इसीलिए होंगे क्योंकि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, आपके आपके फेवर में एक्शन लेना है। इसीलिए लोगों के गेम को समझ रहे हैं, लोगों के जो नेगेटिव गेम होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये जा रहे हैं। ये अब किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ये थोड़े टाइम के लिए सोच समझ के फिर अगेंस्ट एक्शन ले जाते हैं उन लोगों के, जो लोग आप दोनों के बीच में आए थे, जिन लोगों ने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया था। तो ये अब किसी को बर्दाश्त नहीं करने वाले। जब सब मिल के एक साथ इन पे हावी होते हैं तो थोड़ी देर के लिए चुप ज़रूर होते हैं, ये चुप होते हैं लेकिन अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते हैं। माइंडसेट इनका यही रहता है कि मैं जब किसी को दुख नहीं देता तो किसी को राइट नहीं है कि वो मुझे दुख दे। ये माइंडसेट इन्होंने कभी छोड़ा नहीं है, और इसी माइंडसेट की वजह से जो भी अप एंड डाउन आते हैं, जो भी डाउनफॉल आते हैं, जो भी इनका इनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है, ये फिर से रिकवर कर जाते हैं इसी वजह से, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से। और यही इनका कॉन्फिडेंस आपसे इन्हें यूनाइट कराएगा, आपकी तरफ आने के लिए इनका ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, और इसको इस कॉन्फिडेंस को इन्होंने हमेशा पकड़ के रखा है, हमेशा बना के रखा है। अब मूनोलॉजी से देख लेती हूँ क्या इनके इमोशंस हैं। मूनोलॉजी से इनका अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, देखिए जीत आपकी ही होगी, ये आपसे ही यूनाइट होंगे, और यानी आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, यानी इस रिश्ते की जीत चाहते हैं, आपसे अपने रिश्ते की जीत चाहते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मूनोलॉजी का कार्ड है और इमोशंस का कार्ड आया है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। और कंक्लूजन आर विद इन रीच का मीनिंग है कि ये इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि कैसे आपसे यूनाइट हों, कैसे इन कार्मिकों को भगाया जाए, कैसे सारी चीज़ें ठीक की जाएँ, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाया जाए, कैसे आपको सुकून दिया जाए, उन सारे कंक्लूजन पर ये पहुंच रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में अब इनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस झेला है ना, तो स्पिरिचुअलिटी की ओर इन्हें जाना पड़ेगा। तो ये अब ये स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा रहे हैं अपने स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए। अफेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, जो इनका क्लाइमेक्स आपका जो सेपरेशन चल रहा है उसका अब दी एंड होने वाला है, अब खूबसूरत सा जो सेपरेशन का जो क्लाइमेक्स होता है वो यूनियन होता है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है होल्ड योर विजन, अपने सपनों को सहेज के रखो, वो ये कह रहे हैं आपसे, ये सपने ज़रूर पूरे होंगे। अब मैं थोड़ा सा इनका थॉट और देख लेती हूँ, इनके और क्या थॉट हैं आपके लिए। थोड़ा कैम्प मूव हो गया है, इनके थॉट्स आपके लिए हैं, ये आपके लिए और सोच रहे हैं। क्लैरिटी, चैरिटी, ये चैरिटी कर रहे हैं, ये भगवान से दुआएं मांग रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, इसलिए मदद कर रहे हैं कि ताकि भगवान पे कृपा करें और आपसे जो इनका यूनियन इन्हें कराना है उसमें भगवान इनसे प्रसन्न हो जाएं, और भगवान से दुआएं मांग रहे हैं कि भगवान प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनके दिलो दिमाग में हर समय आप ही रहते हो, आप ही चलते हो उनके दिमाग में। पेशेंस बना के रखा है, इन्हें विश्वास है कि एक दिन सब ठीक होगा। और शेयर योर वुंडीज, अपने दिल का दर्द आपसे आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, और आपके दिल का दर्द ये सुनना चाहते हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे,
ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता संभाल दीजिए और आपकी मदद करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ों में आपने सफ़र किया होगा किसी एरिया में, तो वहाँ ये मदद करना चाहते हैं। सरेंडर, ईश्वर को सरेंडर कर रखा है क्योंकि इन्हें ईश्वर पर बहुत विश्वास है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं ना, तो इन्हें विश्वास है ईश्वर सब ठीक करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपको हीलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहें, ड्रीम भी कराना चाहें, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपकी हेल्प जरूर होगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।